चाय पीनी है? चाय पीनी है? अरे चाय से कैसी नाराजगी, चाय तो पियो। हाँ पीनी है। हाँ तो एक एक कप चाय बना दो। अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपने लिए चाय बनाओगी तो एक कप मेरे लिए भी बना दो। बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना तुम्हारे अंदर? सुबह से शाम मैं घर का सारा काम करती हूँ और शाम को जब मैं 5 मिनट सुस्ताने के लिए बैठती हूँ तब तक तुम ऑफिस से आ जाते हो, और ऑफिस से आते ही तुम चाय की डिमांड करने लगते हो। अभी थोड़ी देर पहले इसी बात पे मेरा तुम्हारा झगड़ा हुआ था कि चाय तुम खुद भी बना सकते हो, रोबोट नहीं हूँ कोई मैं। यार इतना सुनाने वाली बात तो थी नहीं। मैं सुबह का घर से निकला हुआ शाम को घर आता हूँ, 36 तरह के पागल लोग टकराते हैं, कैसे कैसे तरीके से उनसे डील करना पड़ता है, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ये तुम समझ नहीं पाओगी। साला एक चाय क्या मांग ली मैंने तुमसे, लग गई सुनाने। अरे घर पर ही तो रहती हो, ऐसा कौन सा काम करती हो पहाड़ तोड़ने वाला। जिस दिन घर पर रहोगे ना उस दिन समझ में आएगा तुम्हें। हाँ तो संडे घर पर ही रहता हूँ, देखता हूँ मैं तुम कितना काम करती हो। हाँ तो एक संडे वो सब काम कर लो जो मैं रोज करती हूँ। हाँ तो ठीक है कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? यही कि अगर मैंने वो काम किया जो तुम हर रोज करती हो तो फिर भाई ऐसी बातों में झगड़े खत्म, कुछ नहीं बोलोगी फिर तुम आज के बाद। मंजूर। हाँ तो ठीक है फिर, आन तो संडे, साला हर बार का झगड़ा ही खत्म। हाँ तो ठीक है, कल है संडे। कब है संडे? कल है संडे। अच्छा कल संडे है, तो ठीक है। उठो जाओ चाय बनाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? संडे यार। हाँ तो भूल गए तुमने कल क्या बोला था? यार अगले संडे से करते हैं ना यार। उठो और जाओ जाके चाय बनाओ, उठो। और हाँ जब तक चाय बनेगी ना तब तक झाड़ू लगा लेना। संडे आज। यार एक बात बताओ, और दिन घर जो है वो बड़ा छोटा छोटा दिखता है, आज तुमको घर थोड़ा ज्यादा बड़ा भी लग रहा है। जाले साफ किए? जाले साफ। हाँ संडे को पहले जाले साफ होते हैं उसके बाद झाड़ू लगती है। यार तो कोई बात नहीं, अगर जाले साफ नहीं किए तो हमारा क्या पड़ता है, खाली झाड़ू लगा लेते ना जितना काफी है। पहले जाले साफ करो उसके बाद दोबारा झाड़ू लगाओ और उसके बाद पोछा लगा लेना, ठीक है? लगा लिया पोछा? हाँ बस पूरा घर हो ही गया साफ। वो तुम्हारी मम्मी ना मंदिर गई थी तो उन्हीं चप्पलों से ना वो अपने कमरे तक चली गई हैं, दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। कितना टाइम है नाश्ते को? क्या कितना टाइम है नाश्ते को, खाना खाने में 5 मिनट लगते हैं, बनाने में नहीं लगते हैं, पिछले घंटे भर से खाना बना ही रहा हूँ। अरे बाबा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा वो तुम्हारे पापा जी ना एक पराठा और मांग रहे हैं। हाँ ठीक है दे रहा हूँ, देखो कौन है दरवाजे पर। हाँ ठीक है देखती हूँ, मम्मी जी दरवाजा खोल रही हैं। 4 और लोग आए हैं दरवाजे पर, उनके लिए भी 4-4 पराठे बनाने पड़ेंगे। किस खुशी में 4-4 पराठे बना दो, कौन आए? अरे पापा जी का मॉर्निंग वॉक वाला ग्रुप नहीं है वो आए हुए हैं, और साथ में ना चाय भी चढ़ा देना। हाँ धुल गए, बस अभी भी धुले। सारे धुल गए हैं? हाँ हाँ सारे धुल गए। सारे कितने थे? 2 ही तो थे, एक पैंट एक शर्ट कल की धोती। अच्छा मम्मी जी और पापा जी और मेरे भी सारे कपड़े हैं वो भी लेकर के आ रही हूँ, वो भी धुल दो, ठीक है? धुल के कपड़े? धो रहा हूँ कपड़े, धो रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से धो रहा हूँ, एक तो लाइट नहीं आ रही, साला पूरे जिले के कपड़े लाके रखते हैं, मेरा हाथ दुख गया है। अरे बाबा कोई बात नहीं आराम से, थोड़ा जल्दी धुल लो, और अभी लंच भी तो बनाना है ना तुम्हें। सुन रहे हो? हेलो उठो, शाम के 5 बज गए, मम्मी पापा के लिए चाय भी बनानी है। रोबोट हूँ क्या, मर जाऊँ क्या? साला सुबह से मैं गधों की तरह काम कर रहा हूँ बिना 1 मिनट की फुर्सत लिए, अभी हल्की सी मेरी आंख क्या लगी एकदम चिल्लाते हुए आ गई, उठो 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 उठो, बिल्कुल तरस नहीं आ रहा मुझ पर। आज एक दिन काम करना पड़ गया तो हालत इतनी टाइट हो गई। मैं 365 दिन ये काम करती हूँ, इससे ज्यादा काम करती हूँ मैं क्या, बल्कि हर घर की औरत इससे ज्यादा काम करती होगी। वो बीमार पड़ जाए, उसके साथ कुछ भी हो जाए, और पूरी जिंदगी उसे ये काम करना पड़ेगा। बदले में वो क्या चाहती है? अपने हक का प्यार और इज्जत। पर बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें उनके हक का प्यार और इज्जत नसीब होता है। एक नौकरानी भी रख लो ना तो भी इससे ज्यादा इज्जत मिल जाती है, और सैलरी अलग से। सॉरी मैं समझ गया, तुम बैठो मैं चाय बनाता हूँ। तुम बैठो मैं चाय बनाती हूँ, असल में आज काम किया है ना तुमने।